रंग जाऊं तेरे रंग में अब सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। देवयानी सच सच बता, क्या तू तारा बंद कर राजवीर के सामने छत पे गई थी? जवाब दे, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्यों गई थी? दीदी ने कहा, मैं उन्होंने कहा जाकर बैठ जा, तुम बैठ के कुछ कुछ समझ रहे हैं हम। बस इतना ही कहेंगे कि हम ये जो हुआ है सिवाय इसके कि हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगे। ऐसा मत कहिए, आजकल के ये बच्चे कब क्या कहाँ कुछ कर बैठेंगे, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा हम चलते हैं। सुधा जी, हम फिर से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं अंकल, नहीं प्लीज, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मां, उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बच्चों, आप बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो। अंकल, मैं आपकी छोटी पोती देवयानी से शादी करना चाहता हूं। मैं देवयानी को सब कुछ बता चुका हूं अपने बारे में और देवयानी की असलियत भी देख चुका हूं। अपनी बहन के लिए नाटक करते हो, मुझे ना ऐसी ही पत्नी चाहिए लाइफ में जो रिश्तों को अहमियत दे और अपने से ऊपर अपने परिवार को रखे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अंका कि आप एक बार देवयानी से जरूर पूछ लीजिएगा कि वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू राजवीर। यह हमारा बड़ा बेटा रुद्र प्रताप श्रीवास्तव। रुद्र, हम यहाँ पर तुम्हारे भाई का रिश्ता तय करने आए। अच्छा हुआ कि तुम आज के दिन शराब को हाथ न लगाओ और अपने भाई का साथ दो। आप भी ना मां, मैं तो हमेशा अपने भाई के साथ हूं।
इसलिए तो यहाँ उसका साथ देने आया। और रही बात शराब की, तो मां लड़की ये देखने आया है शादी इसे करनी है। मैं तो सिर्फ इसे वॉर्न करने आया हूं कि ये लड़की इसके लायक नहीं है। अच्छा लगा बचवा कि आप बहुत निष्पक्ष हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी शख्सियत जो है साफ बोल देने वाली, एक बात हम भी आपके साथ साफ साफ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है बचवा कि एक बहुत बड़ा दुनिया का कटु सत्य है कि ये आपकी माँ है, और दुनिया का दूसरा कटु सत्य ये है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में रहते हैं, और हर समाज, हर देश, हर परिवार का एक मर्यादा होता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है जो आपने पार कर दिया, और जो काशीनाथ पांडे बर्दाश्त नहीं करता और ना कभी करेगा। हमारा मंदिर जैसा घर का अंदर नहीं चलेगा। अंकल, भैया की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। We are really sorry. आप काहे माफी मांग रहे हैं? आपको नहीं ना माफी मांगनी चाहिए। ये आपके बड़े भाई हैं, और जो कर्म इन्होंने किया है उसी का भुगतान यही करेंगे। बिना किसी को जाने कोई इंसान अगर किसी के बारे में टिप्पणी करता है तो उसे हम या तो बुरबक कहते हैं या तो बखलौल कहते हैं। अनजान लोगों के बारे में टिप्पणी करने की मुझे आदत नहीं। ये जो आपकी पोती है ना, इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बताओ अपनी फैमिली को कि आज तुम यहां मेरी वजह से खड़ी हो। एनीवेज, तुम्हें बताना है बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ। पर ये शादी नहीं होगी, ये लड़की तेरे लायक नहीं है।